दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये कहकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकार कर कहने लगे कि हुशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इसराइल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला वो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सय्यून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोजज़ा दिखाया है। पर फरीसियों ने आपस में कहा, देख रहे हो हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, देखो सारा जहां उसका पैरों हो चला। जो लोग ईद में परस्तिश करने आए थे उनमें से बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिपुस के पास जो बैत सैदाई गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर इंद्रियास से कहा। फिर फिलिपुस और इंद्रियास ने आकर यीशु को खबर दी। वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है। लेकिन जब मरता है तो बहुत सफल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं, क्या यह कहूं कि ए बाप मुझे इस घड़ी से बचा ले। लेकिन अब मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। ए बाप अपने नाम को जलाल दे। पर आसमान से आवाज आई कि मैंने तो उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, और उन्होंने कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यह आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूं। हमने शरीयत की बात सुनी है कि मसीहा अबद तक रहेगा, फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है? ये इब्ने आदम कौन है?
और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो, ऐसा ना हो कि तारिकी तुम्हें आ पकड़े। और जो तारिकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो।